अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी डिश दलिया बनाना सिखा रही हूँ, जो बच्चे बड़े सब बहुत ही शौक से खाते हैं। बहुत ही हल्की फुल्की सी डिश है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। दलिया बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, इसमें हाफ लीटर दूध, एक प्याली दलिया, तकरीबन 3-4 चम्मच चीनी, थोड़ा सा पिस्ता और बादाम और थोड़े से किशमिश। सबसे पहले एक पतीली में 1 चम्मच घी डालें। आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। जब घी गर्म हो जाए तो हम इसमें दलिया डालकर इसको हल्का हल्का भून लेंगे। दलिया जब भुनना शुरू होगा तो इसमें से खुशबू आने लगेगी। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। और इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। गंदम का दलिया है, गलने में थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए इसमें पानी डालना ज़रूरी है। पानी डालने के बाद दलिये को तकरीबन 4-5 मिनट तक हल्की आंच पर पकने दें। 5 मिनट के बाद ये जो हमने 1/2 लीटर दूध रखा था वो इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो चीनी थोड़ा कम रख लें। दूध और चीनी डालने के बाद दलिये को 1/2 घंटे तक हल्की आँच पर पकने दें। दलिये को पकते हुए 1/2 घंटा हो चुका है, ये देखिए अब तैयार हो चुका है। हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। मज़ेदार और हेल्दी दलिया तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें।